हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी लोगों का एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए एक बुक के बारे में। और जो बुक है वो है मैथ और रीजनिंग की, और इस बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। जो भी BSc नर्सिंग, JNM जितने भी स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस बुक को रेलवे के एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस, RPSC और जितनी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड अदर एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें भी आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। सबसे बेस्ट बुक है, मैं रिकमेंडेड करूँगा आप इस बुक को एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। सबसे खास बात इस बुक की मुझे यह लगी कि इस बुक के अंदर 5000+ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम को फाइट करने में। तो अब जरा मैं इस बुक के मेन राइटर की बात करता हूँ, ठीक है। जो इस बुक के मेन राइटर है कौन, ठीक है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। तो इस बुक के मेन राइटर रामनिवास मथुरिया इस बुक के मेन राइटर हैं, जिन्होंने ये बुक लिखी है और अच्छी तरह से मतलब इसमें समझाया हुआ है। अब बात करते हैं ये अंदर से कि अंदर से दिखती कैसे है और क्या क्या इसके अंदर है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो ये लो, ये कर लिया हमने बुक ओपन। इसके अंदर इसकी डिटेल है, देखिए लेखक रामनिवास मथुरिया, पब्लिकेशन वगैरह दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। और ये बुक, अब बात करते हैं कितने की ये बुक पड़ती है। मार्केट वैल्यू इसकी है 480 रुपये। मैंने इस बुक को ख़रीदा था 200 के लमसम, 200 रुपये में मैंने ये बुक को ख़रीदा था, मेन मार्केट से ख़रीदा है, ठीक है। आप भी इसे ख़रीद सकते हैं, एक बार ज़रा तलाश करनी पड़ेगी आपको ये बुक कितनी पड़ती है। मार्केट वैल्यू इसकी 480 है, लेकिन मैंने इसको ख़रीदा था 200 रुपये में। अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है जब इसे आपको ऑफलाइन ख़रीदते हो, तो एक बार ट्राई कीजिए। तो जरा बात करते हैं कंटेंट की, क्या क्या है इसके अंदर। इसके अंदर जोड़ घटाव गुणा भाग संख्या पद्धति घातांक बीजगणित प्रतिशत लाभ हानि बट्टा या साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज साझा औसत जितनी भी आपको मैथ और रीजनिंग के रिलेटेड रहते हैं वो सब इसके अंदर है। समय कार्य मजदूरी मिश्रण आयु संबंधी रेल संबंधित समय दूरी दौड़ कोण मापन, ठीक है। जितनी आपको दिख रहे हैं ना सब, ये सब इसके कंटेंट है और अच्छे खासे इसमें क्वेश्चन हैं इनसे रिलेटेड। एक बार बुक को देखना आप, जब भी आप ऑनलाइन जाओ या ऑफलाइन जाओ, जब भी आप परचेस करें एक बार बुक को जरूर देखना और फिर परचेस करना। ये देखिए इधर जोड़ घटाओ गुणा भाग, ठीक है। अब जरा देख ध्यान से देखिए, जोड़ घटाओ गुणा भाग मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इसके अंदर क्या है। सबसे पहले यहाँ पे किसमें विधियाँ दी हुई है, ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह ट्रिक वगैरह दी हुई है कैसे आपको उसको करना है। एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे, इन एग्जाम्पल को आप क्या करेंगे एक एक करके देखेंगे, सोल्व करेंगे। अच्छे खासे ट्रिक इसमें दी हुई है कैसे इसको करना है क्या नहीं करना, सभी बिल्कुल इसमें स्टेप टू स्टेप बिल्कुल इसमें दिया हुआ है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, ठीक है। स्टेप टू स्टेप इसमें दिया हुआ है कैसे उसको हल करना है, वो सभी यहाँ पे एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल अवेलेबल हैं। ये इसलिए ये बुक मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, एक बार आप ज़रूर देखना इसको। अब इसमें मैं बात करता हूँ मेन, ठीक है। आपने देखा होगा आपने जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है उसमें रेलवे से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इसके कुछ अभ्यास प्रश्न यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, प्लस का प्लस वाला है ये, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। और जरा आप इसके पीछे जाएंगे तो पीछे की तरह आपको मिलेगा हल, ठीक है, आंसर शीट वगैरह। उधर तो क्वेश्चन है, इधर इसके जस्ट इस पीछे इसके आंसर शीट है, इजीली आप इसे कर सकते हैं। अच्छी बात ही लगी मुझे इस बुक के ना, तभी मैं आपको बता रहा हूँ इस बुक के बारे में। अब जरा मैं बात करता हूँ रेलवे से रिलेटेड, जितने भी एम्स वगैरह होते हैं उसके अंदर रेल से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं, ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जरा उनको आप मैं बताता हूँ। 547, ठीक है, होल्ड कीजिए। तो ये लो, ये आ गया ट्रेन रिलेटेड, ठीक है, रेल संबंधित, ठीक है। यहाँ पे इसमें ट्रिक दी हुई है 1 2 3 4 5 7 ट्रिक है, और नीचे की तरफ एग्जांपल है। पहला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर/hr है तो इसकी चाल मिनट पर सेकंड में बताओ, ठीक है। तो नीचे हल किया हुआ है और फिर देखिए नीचे लगा याद रखने के लिए, ठीक है, अच्छी खासी ट्रिक दी हुई है, इस ट्रिक से आप इसे हल कर सकते हैं, इसलिए तो ये बुक अच्छी है। और मैं वीडियो को जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा वीडियो अगर लंबी रहती है ना तो आप लोग क्या करते हो फिर डिसलाइक करते हो, आपको पसंद नहीं आता, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी फास्ट बता रहा हूँ, ठीक है। बुक को मैंने बताया, आप ऑफलाइन जाके एक बार देख लो, देखना अच्छी लगेगी, आप कन्फर्म कह रहा हूँ अच्छी लगेगी,
ये देखिए आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस, नंबर वन खुद पढ़िए आप। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर हावर की चाल से पटरी के पास गड्ढे के एक स्तंभ को कितने समय में पार कर जाएगी? ए बी सी डी ऑप्शन है। ठीक है, ये तो था इसका क्वेश्चन। अब बताओ उसको, अब इसने सॉल्व किससे कर रखा है? आपके देखो भाई डायरेक्ट आंसर दे रखा है, बहुत सी बुक में डायरेक्ट आंसर दे रखा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने आज ईजी तरीके से सोल्व किया हुआ है विद, देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी तरह से सोल्व किया हुआ है और आंसर दिया हुआ है 10 सेकंड में पार करें। देखिए नीचे नंबर टू टू को भी इसने सोल्व किया हुआ है, इसलिए बुक बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। क्वेश्चन नंबर टू को हल किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थ्री को हल किया है, क्वेश्चन नंबर फोर को हल किया, जितने भी क्वेश्चन है सभी को हल किया हुआ है ईजी ट्रिक से। तो दोस्तों ये थी ये बुक, आशा करता हूँ आपकी बुक अच्छी लगी हुई होगी। अगर आपने ये बुक देखी है, परचेज की, या आप इसको प्रीफर कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। होप यू विल लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। इस वीडियो को शेयर जरूर करें।